हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस. आज का ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे जेई एडवांस के बारे में. व्हाट वी विल टॉक अबाउट इज द एप्लीकेशन फॉर्म, द फी स्ट्रक्चर, द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, डेट, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा. सो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल के साथ. तो सबसे पहले मुझे आपको बताना चाहिए कि जेई एग्जाम होता क्या है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो जेई एग्जाम एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है जो कंडक्ट करते हैं एडमिशन के लिए डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, और ये होता है इन आर कंट्री दैट इज इंडिया. नाउ देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव जेई, वन इज जेई मेन एंड द अदर इज जेई एडवांस. नाउ इन दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल वी विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन जेई एडवांस. सो जेई एडवांस 2018 संडे मई 2018 को होगा. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है 4th week of April से. इसका एकदम एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं बोला गया है, तो इसीलिए ये टेंटेटिव मींस रेंज है कि 4th week से होगा. एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ है लास्ट डे 1st week of May 2018. सो नाउ आई विल प्रोवाइड यू अ रफ स्केच ऑफ हाउ यू नो द सीरीज ऑफ इवेंट विल टेक प्लेस. सो एडमिट कार्ड विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द 2018. उसके बाद जेई एडवांस का पेपर 1 एंड पेपर 2 3rd week में होगा. ORS डिक्लेरेशन होगा 4th week में. देन आंसर की अनाउंसमेंट विल बी ऑन द 1st week of June. ओके, एंड द एग्जाम डेट ऑफ AAT दिस विल गो ऑन एंड लास्ट द रिजल्ट ऑफ डिक्लेयर्ड ऑफ AAT विल बी ऑन द 3rd June of 2018. मतलब जून के एंड ऑफ द जून ये सारे एग्जाम रिजल्ट सब कुछ खत्म हो जाएगा. ओके, नाउ विल सो द एंटायर जेई एडवांस 2018 एग्जाम ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है. जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है बाय CBSE, और ये एडमिशन लेता है BE, BTech या BArch कोर्सेज के लिए. जेई मेंस के बेसिस पे कैंडिडेट्स को एडमिट किया जाता है NIT, CFTI या अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में. जेई एडवांस इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल एग्जाम एज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट. और स्टूडेंट्स जो जेई मेंस के लिए सिलेक्टेड होते हैं वो एलिजिबल होते हैं जेई एडवांस के लिए, और हर साल कम से कम 2 लाख से ऊपर लोग सिलेक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट वी विल लुक एट द एग्जाम डेट्स फॉर जेई एडवांस. नाउ यू नीड टू ऑब्टेन 75% फॉर जनरल, 65%. सो देयर इज अ 10% रिलैक्स्ड दैट इज बीन प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इन हायर सेकेंडरी एलिजिबल होने के लिए. एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अगर हम लोग बोले तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेई में अवेलेबल होता है. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई. मैंने आपको सब बोल दिया कि किस तरह से होता है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन स्ट्रक्चर है, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई. सो अगर आप ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड में ही होता है एक्चुअली, ऑफलाइन में नहीं होता है जेई के लिए, तो ऑनलाइन मोड में आपको करना होगा. दिस फॉर्म्स विल बी एप्लीकेबल विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. ओके, और ये अप्रैल 2018 से वो लास्ट डेट तक होगा, उसी में आपको भरना होगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो पेमेंट होता है, या ऑफलाइन मोड आप जाके ई चलान काट के भी कर सकते हैं सिंडिकेट से या कैनरा से, HDFC, ICICI. द नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेंट शुड अप्लाई ऑनलाइन इन वन अटेम्प्ट ओनली एज इट मे रिजेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेनी अटेम्प्ट. अगर आपसे एक से ज़्यादा बार करते हो तो रिजेक्ट हो सकता है. ओके, आपको हार्ड कॉपी भेजने का कोई भी ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म का CBSE बोर्ड में, क्योंकि ये ऐसा सॉफ्टवेयर ये लोग यूज़ करते हैं, सो दे ऑटोमेटिकली गेट स्टोर्ड इन देयर यू नो सिस्टम. सो यू डू नीड नॉट सेंड देम अ हार्ड कॉपी ऑफ योर फॉर्म और योर चलान. सेकेंड थिंग इज दैट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन अपॉर्चुनिटी मिलता है एप्लीकेंट्स को, कि अगर आप कुछ गलत डिटेल्स दे दिए हैं जल्दीबाजी में या कुछ गलती हो गया तो आप उसको चेक कर सकते हैं. और ये
कुछ एंट्रीज के लिए ही मिलता है. सो जेई एप्लीकेशन फी आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन भर सकते हैं. ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भरो, या फिर ऑफलाइन आप ई चलान ऑफ SBI बैंक से कर सकते हैं. सो नाउ लेट मी नो, आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाउ टू पे द फीस, बट हाउ मच टू पे द फीस लेट मी टेल यू. सो जेई एडवांस 2018 का फीस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 1200 देना है. अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है तो 1200. बाकी अदर कैंडिडेट मतलब जनरल कैंडिडेट हो जाता है तो आपको 2400 देना होगा और लेट फी आपको 500 रुपया देना होगा. अब एग्जाम सेंटर फॉरेन जो कंट्रीज है तो उनको US डॉलर्स में 135 ऑल कैंडिडेट एंड लेट फी इज 80. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो आपका सबसे पहले एज लिमिट हम लोग देखते हैं. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर JEE एडवांस जो एज लिमिट इंक्लूड करता है फॉर JEE एडवांस. सो द एज लिमिट इज आपका बर्थ होना चाहिए, शुड बी आफ्टर 1st October 1992. अगर इससे आपका पहले है बर्थ तो आप एलिजिबल नहीं हो. ये जनरल कैंडिडेट के लिए है. और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं तो आपका बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 1987. तो शेड्यूल कास्ट को हमेशा हर जगह पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है. नेक्स्ट हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं. तो कैंडिडेट को एटलीस्ट 75% एग्रीगेट स्कोर करना पड़ता है क्लास 12 या उसके इक्विवेलेंट बोर्ड में. एंड द एग्रीगेट मार्क्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इज एटलीस्ट 65%. तो इट हैज़ बीन रिलैक्स बाई 10% इन दिस केस ऑल्सो. नाउ वी मूव ऑन टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट. Now, JEE Advanced 2018 have two events. Attempts will be given for clearing the JEE Advanced. और ये जो JEE Advanced का attempts है वो 2017 के years के onwards से calculate किया जाएगा. Next हम लोग exam pattern के बारे में देखते हैं. यहाँ पे इस particular exam में दो paper होते हैं, paper 1, paper 2. दोनों ही paper they are of 3 hours. Now it is compulsory to appear in both the paper. Okay, you will be asked question related to physics, chemistry, mathematics and the question paper will be objective type. Further, मैं आपको डिटेल देना चाहूँगी with regard to the question paper. So, paper 1 जो physics, chemistry, mathematics पे question पूछता है, उसमें पहले 5 question, 8 question और 5 question ऐसे करके division है और ये सारे marks हैं, corresponding marks. Paper 2 में वही सारे subject हैं और इतना ये marks का division है. अब हम लोग देखते हैं द लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज आर्किटेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट. नाउ दिस एग्जाम विल बी हेल्ड थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली एंड द पैटर्न इज यू विल आस्क मैथमेटिक्स 30 question ऑफ 120 marks, 3 marks ईच. सेकेंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट 50 question ऑफ 4 marks ईच एंड देन ड्रॉइंग टेस्ट ऑफ 2 question एंड दिस इज फॉर 30 marks. सो ये एक आपका इन ब्रीफ है कि JEE एडवांस में क्या होता है, क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना फीस आपको देना होगा, क्या क्वालिफिकेशन है एक्सेट्रा, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं. तो मैं इस ट्यूटोरियल की मदद से मैं कोशिश की हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन देने का इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में. अगर आपको लगा होगा कि ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर आवर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.